नमस्कार, गीता किचन ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का अचार। ये अचार हम जो रेगुलर मिर्च यूज करते हैं उसी से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खाने का स्वाद जैसा भी हो, लेकिन अगर हमें ये हरी मिर्च का अचार मिल जाए तो खाने का स्वाद ही बदल जाता है। तो आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का अचार। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए और छोटी सी बेल आइकन देखेगा उसे जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम हरी मिर्च ली है, इसे मैंने धो के सुखवा लिया है। अब इसे हम काटेंगे। हम ऐसे इसे कैंची की मदद से काटेंगे। ये ऐसे हमें सारे मिर्ची को काट लें। मिर्ची हमारी कट गई है, अब हम इसका मसाला तैयार। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून जीरा लिया है। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा गरम करना है। 1.5 टेबलस्पून मेथी ली है, 3 टेबलस्पून सौंफ ली है, 3 टेबलस्पून सरसों ली है। फिर इसे हमें हल्का ही भूनना है। इसे हम अब मिक्सी जार में एकदम दरदरा पीस लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है हमें। मैंने 1/4 कप तेल लिया है। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। मैंने यहाँ पर 4 चम्मच विनेगर लिया है। अगर घर में कोई भी सिरका है तो हम ये अचार में डाल सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून मैंने हींग ली है। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लेंगे। 1 टेबल स्पून हम नमक लेंगे। जो मसाले हमने दरदरे पीसे थे वो मसाले अब हम डालेंगे। हम इसे मिला लेंगे। अचार हमारा बनके तैयार है। इसे हम एक जार में भर के रख लेंगे। ये अचार हम 2 से 3 महीने तक खा सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि अचार को सूखे चम्मच से निकालें। फ्रेंड, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।